बतख और सोने का अंडा। एक गांव में पेरैया नामक एक गरीब किसान रहता था। उसके पत्नी और बच्चे भी थे। वह एक बतख की बच्ची को लाकर पालने लगा। वह बतख बड़ी हुई और एक दिन उसने सोने का अंडा दिया। इससे पेरैया के परिवार वालों के खुशी का ठिकाना ही ना रहा। ऐसे वह बतख हर दिन एक अंडा देती थी। पेरैया के परिवार वालों को हर रोज सोने के मिलने पर खुशी से उछलने लगे और कम समय में ही बड़े अमीर बन गए। फिर उन पति पत्नियों को कुछ समय बीतने के बाद सोने का लालच आया। एक दिन पेरैया की पत्नी ने कहा, यह बतख तो हर दिन बस एक ही सोने का अंडा देती है। इसके पेट में कई सोने के अंडे होंगे। हर रोज एक एक सोने का अंडे के लिए इंतजार करने से अच्छा तो हम इस बतख को काट कर इसके पेट से सारे अंडों को एक ही बार में निकाल लेंगे, ठीक होगा ना? इसके लिए पति भी मान गया। अब देर किस बात की सोचकर तुरंत बतख के पेट को काटा, लेकिन उसमें से एक सोने का अंडा तक नहीं दिखा। इससे पेरैया के परिवार वाले अपने किए पर पछताते हुए रोने लगे। इस कहानी की शिक्षा है कि लालच बुरा भला है। कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। लोमड़ी के सपने। एक शेर जंगल का राजा बना। राजा के बाजू में मंत्री तो होगा ना, इसीलिए शेर उसके मंत्री को चुनने में लग गया। और ये बात लोमड़ी को पता चली। किसी भी तरह वह उस मंत्री के पद को पाना चाहती थी। एक दिन लोमड़ी ध्यानबूझकर शेर के गुफा की तरफ गई। हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर गई। महाराज जी को मेरा प्रणाम, बोलते हुए अपनी होशियारी का प्रदर्शन दिया। लोमड़ी के अति प्रदर्शन से शेर प्रभावित हुआ। कैसे आना हुआ? इस जंगल का नया राजा बनने के लिए आपको बधाई देने आया हूँ महाराज। यह बात सुनकर शेर को बहुत खुशी हुई। शेर ने बधाई देने के लिए लोमड़ी का धन्यवाद किया। उस दिन से लोमड़ी हवा में उड़ने लगा। ऐसे वह रोज रोज शेर के पास जाने लगा और हर दिन एक जानवर के बारे में शेर से चुगली करने लगी। एक दिन लोमड़ी बोली, आपसे लंबे होने पर उस हाथी को बड़ा घमंड है महाराज जी। फिर दूसरे दिन लोमड़ी ने कहा, आपको टक्कर देने के लिए बाघ इंतजार करते हुए बैठा है। ऐसे हर रोज लोमड़ी जंगल के सभी जानवरों के बारे में बुरा भला बोलकर शेर को अनदेखा कर रहे हैं करके मनवाया और वह अकेली ही उससे डर के रहती है करके विश्वास दिलाया। हर रोज इस तरह लोमड़ी के बातों को शेर और कितने दिनों तक सह पाता था। थोड़े दिनों के बाद शेर वे बातें सुन सुन कर थक गया। एक बार जंगल में शेर अकेला घूम रहा था। तब उसे पता चला कि लोमड़ी के चुगली करने वाले सभी जानवरों को अपने नए राजे से बहुत ही आदर और सम्मान पूर्वक भाव है। वे बिल्कुल भी उन्हें अनदेखा नहीं करते। यह बात पता ना होते हुए लोमड़ी हमेशा की तरह चुगली करने लगी। तुरंत शेर ने छिड़कर लोमड़ी से कहा, जब मैं जंगल में घूम रहा था ना, तो सभी जानवर मेरा आदर और सम्मान कर रहे थे। किसी ने भी मुझे अनदेखा नहीं किया। फिर लोमड़ी ने अपनी चालाक बुद्धि से जवाब दिया कि, महाराज जी आप बहुत मासूम हो, मेरी बात मानो, आपके देखते ही सभी जानवर शरीफ बन गए और इस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ऐसे परिस्थितियों में मेरे जैसे मंत्री आपके बाजू में रहे तो आपका सुरक्षा होगा। मैंने तो बस आपका भला सोचकर बोला था, बाकी आपकी मर्जी।
शेर को लोमड़ी की चाल का पता चल गया और शेर आग बबूला हो गया। अरे ओ चालाक लोमड़ी, तेरा चाल मुझे पता है। सारे जानवरों की चुगली करके उन्हें अटाकर तू मंत्री बनना चाहता है ना? किसी में भी अच्छाई ना देखने वाले तुझे मंत्री के रूप में बनाया तो मैं भी डूब जाऊंगा। मुझे और गुस्सा मत दिला, चल जा यहाँ से। शेर ने गरजते हुए कहा। उसका सपना तो दिन का ही सपना रह गया। करके सोच कर लोमड़ी वहाँ से भाग गई। बंदर की बढ़ाइया। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत ही अच्छा था। वह हाथी बचपन से एक बंदर के साथ रहता था। वह बंदर हमेशा अपनी बढ़ाइया करते हुए रहता था। अरे हम बंदर लोग बहुत चतुर हैं। हमें बुद्धि की शक्ति ज्यादा होती है। इंसान भी हमारे जैसे नहीं होते, इंसान भी हमारे जात के ही हैं। बंदर इसे बात करता था तो हाथी उसे कुछ भी नहीं बोलता था, धीमे से हंसकर छोड़ देता। कभी कभी बंदर पेड़ चढ़कर फल तोड़ लाता था और उन फलों को हाथी को देता था। देखा, तुम मेरे साथ होते हो तो तुम्हारा कितना फायदा है। हर रोज अच्छे अच्छे फल खा सकते हो, मेरे जैसे तुम पेड़ छेड़ सकते हो क्या? बोलते हुए फिर से बढ़ाइया करने लग जाता है। हाथी को बंदर के बारे में पता होने पर वह कितने भी बढ़ाइया बोल ले पर वो हंस कर ही लेता था, कुछ भी नहीं बोलता। एक बार एक शिकारी जंगल आया और जानवरों के लिए जाल बुना और मीठे मीठे फल रखे बेचारे हिरन, खरगोश और बंदर फलों के लालच में जाल में फंस गए। वह सहायता के लिए चिल्लाने के बजाय कुछ भी नहीं कर पाए। शिकारी उन्हें पकड़कर गाड़ी में ले जाने लगा। हाथी को इस बात की खबर मिली। हाथी तुरंत भागता हुआ शिकारी के गाड़ी के सामने आ गया। उस शिकारी को अपने सूंड से उठाकर फेंक दिया। उसे जो जो मिला उसे घुमा घुमा कर फेंक दिया। सभी डर के ऊपर नीचे होकर भाग गए। ऐसे हाथी ने सभी जानवरों को छुड़ा लिया। अरे वाह, कितने बलवान हो तुम दोस्त, ये बात तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताई? तो हाथी ने उस पर हंस कर बोला, हमारे पास जो है उसके बारे में बेवजह किसी को बताना नहीं चाहिए, जरूरत पड़ने पर ही उसका उपयोग करना चाहिए। बोलते हुए हाथी ने बंदर को उठाकर उसके ऊपर बिठा लिया। इस कहानी की सीख है कि अपनी खुद की बढ़ाइयां ना करते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार। एक जंगल का राजा था शेर। वह बहुत ही अच्छे से राज्य का पालन करते हुए जंगल के जानवरों की समस्याओं का समाधान करता था। गलती करने वालों को सख्त सजा भी देता था। शेर ने अपने बेटे को बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा किया। इससे छोटा शेर घमंडी होकर बाकी के जानवरों के साथ बुरा सुलूक करता था। उसने एक दिन भालू से कहा, अरे भालू काले और बदसूरत वाले, दूर जा यहाँ से। तब भालू ने कहा, राजा के बेटे होने के कारण हम कुछ नहीं बोल पा रहे, जुबान संभाल के बात कर। फिर छोटा शेर अपने पापा शेर के पास जाकर बोला कि उस भालू ने उसका आकार गंदा दिख रहा है, बोलकर चिढ़ा रहा है करके चढ़ा चढ़ा कर बोला। इससे महाराज शेर सच जाने की कोशिश तक ना करते हुए उस भालू को जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया। ऐसे ही छोटे शेर के जंगल में घूमते समय हाथी दिखा। एक चट्टान के आकार में हो पर तुझ में दिमाग नहीं है, चट्टान जैसी तेरी आकार देख के फूल मत जाना, बोलकर चिढ़ाने लगा। इससे हाथी ने कहा, जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो मैं अपनी सूंड से लिपट कर जमीन से पटकूंगा। हाथी ने उसे मार के जमीन पर पटका,
करके छोटे शेर ने अपने पापा से झूठी शिकायत की। शेर ने हाथी को जंगल से निकाल दिया। महाराज ने जल्द से जल्द तुरंत सभी जानवरों को बुलवाया। मुझे कितना आदर दे रहे हो ना, उतना ही मेरे बेटे को भी दो। अगर किसी ने भी मेरे बेटे को चिढ़ाया या तंग किया तो मैं उन्हें सख्त से सख्त सजा देकर इस जंगल से हमेशा के लिए निकाल दूंगा, बोलकर चेतावनी दी। इससे वह छोटा शेर पागल जैसा उत्तेजित होकर जंगल के जानवरों को तरह तरह से परेशान करने लगा। फिर बाद में सारे जानवरों ने उस जंगल के मंत्री चीता से अपनी चिंता का विवरण किया। मंत्री की बात महाराज सुनते थे। फिर चीता ने कहा, महाराज जी, आपके बेटे को सताने के कारण बहुत सारे जानवरों को आपने जंगल से निकाल दिया, लेकिन इस जंगल में कई जानवर दुष्टों से तंग आकर मानसिक रूप से दुखी है, तो फिर उन्हें क्या सजा दोगे? बोलते हुए चीता ने शेर से प्रश्न किया। मेरे राज्य में कोई भी परेशानी नहीं है ना? इससे चीता ने कहा, तो फिर चलो चुपके से घूमकर सबके सुख दुखों के बारे में अब स्वयं देख लो। फिर शेर चीता के साथ जाकर जंगल के घने पेड़ों में छुपकर परिस्थितियों को देखने लगा। ऐसे अलग अलग जगहों में देखने गए। एक जगह पर झाड़ों में छुपे शेर को छोटा शेर दिखा। चीटिया, तुम लोग इतने काले बदसूरत हो, इतनी अच्छी जंगल में रहने का हक है क्या तुम्हें? शराफत से कहीं और दूसरी जंगल चले जाओ। तब चीटियों ने कहा, हम मेहनती हैं और मेहनत करने वाले इस दुनिया के राजा होते हैं। तुम्हारे जैसे आवारा घूमने वाले को ही इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरे एक फूंक से उड़ने वाले तुम लोग मेरा सामना करने चले हो, मैं अपने पापा से बोलकर तुम्हारी पूरी जाति को ही जंगल से बाहर निकलवा दूंगा, बोला छोटा शेर। तुरंत उधर प्रत्यक्ष होने वाले शेर ने कहा, अरे छी, मेरा दुर्भाग्य है कि तू मेरा बेटा है। बाकी के जानवरों को तंग करने वाले सभी को एक ही सजा है, चुपचाप इस जंगल से निकल जा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है और मार डालूंगा। बोलते हुए शेर ने छोटे शेर को भी निकाल दिया। चीता के सामने सारे छोटे जानवरों ने शेर से अपना दुख बांटा। शेर ने माफी मांगा। उसके बेटे के कारण जंगल से निकलवाने वाले जानवरों को वापस बुलवाया। अब से कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को चिढ़ाया या फिर तंग किया और ये सच साबित हुआ तो सख्त सजा और हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकालने की आदेश जारी किया। शेर के इतने लाड़ प्यार से ही उसका बेटा ऐसे बिगड़ गया। करके अपनी गलती जानकर शेर ने अपने बेटे को अच्छी सीख देकर अपने बेटे में बदलाव लाया। इस कहानी की शिक्षा है कि जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार अच्छा नहीं होता।